उत्तर प्रदेश के बहराइच के बाद अब अलीगढ़ में भेड़िये के आतंक से लोगों में दहशत। अलीगढ़ के थाना बरला और अकराबाद क्षेत्र के 3 गांवों में भेड़िये ने किया जमकर हमला। अकराबाद के गांव खुर्रमपुर और बरला के गांव पहाड़ीपुर, आजादपुर, मंगूपुर में अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को हमला कर किया घायल। गांव में अब तक कई मवेशी भी हमले के शिकार हुए हैं। घायल ग्रामीण हमलावर जंगली जानवर को भेड़िये बता रहे हैं। घटना के बाद गांव में वन विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद के गांव खुर्रमपुर और थाना बरला इलाके के गांव पहाड़ीपुर, आजादपुर, मंगूपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर भेड़िये का आतंक सामने आ रहा है। भेड़िये के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। पैर में घुसले हुए पल्ली हाथ में लेके जा रहा हूँ, नंगे पैर लेकर ही पहले खाली, और पीछे से एक संग नुकर के जब फंसे दिया मैंने प्लास पकड़ी हुआ, ऐसे पकड़ लो मैंने जाने कोई आदमी मैं कर रहा गाँव को पकड़ लो, फिर मैंने देखा सो वाहन पकड़ लो, मैं बहुत ही पल्ली थी टेंट या दवाई भाई, फिर छोड़ दो, फिर एक संग हमला करवा मैंने, फिर मैंने पल्ली नुकर दी है, तब मैं छोड़ के भागा मैंने की ऊपर गुजर रहा है ऊपर रो है। क्या चीज़ है, क्या लग रहा है मोहित भैया? लंबी सी पूछ है, सफेद रंग को लंबा मुँह को भेड़िए सी मान पर हो। हाँ, तो इस संबंध में कितने लोगों को आप हमला किया उसने, कितने लोग घायल? इस संबंध में आजादपुर के घायल 4-5 लोग और हमारे गांव के 15-16 लोग काट ले, सब 7 आदमी 8 आदमी अभी मौके पे बैठे हुए हैं। मैं सुबह सुबह लेटरिन करने के बाद में बम्बी के प्रिया से आ रहा था, कोई बार नहीं, और आते वक्त पीछे से एकदम भेड़िया आया और मेरे पकड़ लिया, जब जबड़ लिया तो मुझे गिरा लिया, और जब मैंने उससे को हाथों से जब गिरते वो उसमें घूसे भूसे बजाए तब वो छोड़ के भागा। अच्छा, कितने लोग और घायल हैं इस संबंध में? इस समय मेरे गांव में 17 लोग घायल हैं। हाँ, 17 लोग, ये 5-7 लोग तो ये बैठे हुए मेरे साथ हैं, और लोग आजादपुर पड़ोस में 7 लोग वहाँ घायल है, बरला के पास मंगूपुर है 12 लोग, वहाँ 100 लोग हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र छर्रा गए हुए हैं, और दवा वहाँ से जो ट्रीटमेंट किया है वो मेरा कुछ अलीगढ़ गए। तो इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया? नहीं नहीं, मैंने अभी तक किसी अधिकारी को नहीं, आप लोगों को ये सूचित, ये यहाँ बालाजी धाम के जो भगत जी हैं उन्होंने वो ही हम लोगों को ले गए और छर्रा जाके उन्होंने ही ट्रीटमेंट किया। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह है। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। और क्या घटना हो गई है गांव में? गांव में ये घटना हुई है कि एक लड़का अपने खेतों पर गया था अपने पानी वानी देखने, तो वहाँ एक भेड़िया एक उसको खा रहा था, नील गाय के बच्चे को, तो उसको देख के उसको छोड़ के इस पर हमला कर दिया और इसका लड़के का पूरा हाथ फाड़ दिया, और वो फिर मैंने सूचना दे दी है वन विभाग के लिए, वन विभाग की टीम भी आ रही है और पत्रकारों को भी सूचना दे दी है, पत्रकार भी आ गए हैं और उसके पकड़ने के लिए टीम गठित हो रही है, और उस लड़के को इलाज के लिए अस्पताल भेज। पानी देखने गया। अच्छा भैया, पानी जो अच्छा, फिर तो मैं जब आधी आधी रास्ता पे बाजरा पे पहुंचा हूँ तो बाजरा में खटर पटर ही करवा जाइए, मैं बोला मैंने यहाँ क्या कुत्ता बता हुआ। अच्छा, अब जब मैं लौटा हूँ जैसे मैं आवास में जैसे मैंने घूमा हूँ ना, तो घूमने के बराबर तो बाना मेरे ऊपर हमला करा हुआ, तो बाना सबसे पहले पकड़ा मेरा हाथ हाथ पड़ लिया जी वाला हाथ, जिसमें ये दांत लगा हुआ ना, दांत अंदर से फटा हुआ, और ये और जी वाला, तो मैंने वो बाकी गर्दन पकड़ ली है। अच्छा, गर्दन पकड़ जैसे मैं गिरा हूँ, बाकी प्रेशर से जैसे मैं गिरा तो वो मैं नीचे आऊंगा, मैं बाकी ऊपर हूँ, तो आवाज बाकी इतनी खतरनाक आवाज है, बहुत ज्यादा आवाज बाकी खतरनाक, और कम से कम लाभारे के बराबर बढ़ रहा। आपने अच्छे से देख लिया वो भेड़िया? हाँ, वो वहां से भाग गया, वो पानी में गिरोना है जब भजोगे भाजपा पानी में फेंक दिया था उसको, वो भाजपा ना वो खा जाता।